हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर आज आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि यूपीएससी सीडीएस में जो आपका वैकेंसी आया हुआ है उसमें आप कैसे तैयारी करें, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितनी वैकेंसी आई है और कैसे आप तैयारी करके आप निकाल सकते हैं, क्या सिलेबस है, ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी। आपको पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कंडक्ट करवाती है, सीडीएस का जो एग्जाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है आपकी यूपीएससी। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। ठीक है, उसके पहले जानते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी जो है आपका 417 पोस्ट है। ठीक है, और आपका एग्जाम कब है फ्रेंड्स? तो रिटन का एग्जाम जो होगा 8 अक्टूबर को होगा, 8 सितंबर को एग्जाम होगा आपका 2019 को। मतलब आपके पास 2 महीना आपके पास है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम कैसे होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का बात करें तो फ्रेंड्स 2 चरण है, एक होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। 2 चीज होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू टेस्ट होगा फॉर पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब अगला बात करें रिटन एग्जाम में फ्रेंड्स क्या क्या पूछा जाएगा। तो पोस्ट पे डिपेंड करता है, अगर पहला पोस्ट लें फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयर फोर्स अकेडमी, तो आपका उसमें इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 100-100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 2-2 घंटा ईच सेक्शन के लिए मिलेगा। ठीक है, मीन 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 6 घंटा मिलेगा आपको। अगर आप फॉर एडमिशन टू ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी करते हैं तो इंग्लिश के में आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन 2 घंटा के लिए, और जीके आपका 100 2 घंटा में दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस का। बात करें फ्रेंड तो सिलेबस में अगर जीके का बात करें तो जीके से आपका करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से मेनली पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स का बात करूं फ्रेंड तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका रिटन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज का, अगर रिटन में आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट का अगर बात करें फ्रेंड्स तो एसएसबी प्रोसीड्यूर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, 2 स्टेज होगा फ्रेंड्स आपका, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा, कंप्राइजेस ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, इसमें क्या होगा OIR होगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, और पिक्चर परसेप्शन, इसमें क्या होगा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा या डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, जिसे पीपी और डीटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट में 2 स्टेजेस होगा, स्टेज 1 में क्या होगा पीपी एंड डीटी टेस्ट होगा, स्टेज 2 में क्या होगा कॉम्प्राइजेस ऑफ इंटरव्यू, इसमें क्या होगा इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क होगा, साइकोलॉजी टेस्ट आपका होगा एंड द कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस भी होगा। और ये जो टेस्ट होगा ना स्टेज 2 का, ये 4 दिन तक आपका लगातार टेस्ट होगा। ठीक है, आपको वहीं रुकना है, आपको टेस्ट देना है, फिर अगले दिन अगर पहले दिन पास कर जाते हैं फिर सेकंड डे टेस्ट देना है, फिर तीसरे दिन टेस्ट देना है। ठीक है, इस तरह से आपको 4 दिन टेस्ट देना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस था, जो कि आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू से रिलेटेड था, जो कि यूपीएससी या सीडीएस के एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।